अस्सलाम वालेकुम खवातीनो हजरात, मैं हूं आपकी होस्ट मायरा खान और इस टेंशन भरे दौर में आपके लिए लेकर आई हूं एंटी टेंशन शो यानी शब्दे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आज की एंटी टेंशन डोज। और बटे तेन पता चले शेख रशीद ने की क्या है? यार मैंने तो कुछ नहीं किया। ओए तेन तो नहीं कुछ क्या गया? मल्लेदार मेनू काउंसलर दा इलेक्शन लड़वा रहे ने इत्थों, हुण मैं सियासत दी चला जाना है। आपने कभी फनी जर्नलिज्म की टर्म सुनी है? मैंने थोड़ी सी सीखी है। खबर सुनाऊं आपको? जी, तो खबर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में माहौलियाती तब्दीली के खतरात से मिलकर निमटने के लिए ठोस तजावीज का खाका पेश करते रहे और गोरे बार बार अपना हेडफोन ही ठीक करने में फंसे रहे। एंजी सही है ना फनी खबर? तो आए फिर पहला फनी सेगमेंट भी देख लेते हैं। क्यों है खान साहब, खैर? आए मेरे अल्लाह, यार तबीयत हुन ठीक नहीं रहिंदी। टेंशन ना लै, चंगा वेला आने वाला साडा। कदा चंगा वेला कदा आने वाला है? की फिरंडे है। मैंने तुम्हारी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देख ली है। अच्छा, इनू पहले दाखिल कराओ। या अल्लाह खैर, पता नहीं क्यों डॉक्टर साडे ते लाते ने। ए डॉक्टर साहब पहले चिड़िया घर च हुंदे सन। डॉक्टर जैगिंग कर, कुद कुतारियां ना कर। तेरी मेहरबानी है। इधर किधर, इधर किधर? यार नु हाथ मार केड़ा इलाज शुरू करता। डॉक्टर साहब वो बीमार है, कुछ जबल नहीं। उधरों दी आ गया डॉक्टर। तुम्हारी टांग काटनी पड़ेगी। ये मेरी नहीं है, दी है। मेरी कटी हुई है। डॉक्टर साहब पहले 2 महीने फर्नीचर का काम भी कर दे। अच्छा सर, साढ़े नाल सौ भी जाता इतने। अन्नी दिन नहीं पता कितना खुत्ती तो नहीं होंगी। गोली खाओ, मुखोलो। लो जी ताड़ी है। अल्लाह तेरी खून, मैंने तो कोई खतरा नहीं। डॉक्टर साहब बैठे जरा बात। अच्छा भाई, मैं खुद खा लेता। अच्छा जी, 4 महीने घोड़ा सरताल भी रहे हैं। बतौर घोड़ा। खैर तुहानू भी वो मज समझ के ट्रीट कर रहे। ए इनू खोता। लो जी, अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम बेटे। जनाब रोटी आ गई तुहाडी, जनाब भेजी है बाजी ने। लियाओ बिस्मिल्लाह खाओ। अच्छा उधर जाके खिलौना है? हां जी, जिहो जिहा तेरा रंग है तू और मैं सी रल जाना है। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਖਲੋ ਜਾ ਬਿੱਟੇ ਇੱਥੇ। ਬਰਜਾਈ ਠੀਕ ਨੇ? ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਦਾ? ਅੱਲਾਹ ਸਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਐਸਾ ਸਰੀਲਾ ਖਾਣਾ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੱਸੋ ਬੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਤਾਵਾਂ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, 9-10 ਗਰਾਂ ਚ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੋ। ਦੂਰ ਬੜਾ ਕੀਮਾ ਐਡਾ ਮੋਟਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬਾ ਅਦਰਕ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਦੀ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ? ਕਿਹਦੀ? ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਕਰਨਲ ਦਾ ਚਾਵਲ। हाँ जी, और पुट दे छोटे छोटे सिपाही ने बेच। ठहर जा, अरे तो हो एमी कुटी जन्ना। चंगा भला मेनू घुट रहा सी साला, इधर घुटदा मेनू है। ए ये तुम्हारी? हाँ, एमे पै गई बेचारे नु। अच्छा बड़ा खुशी, इतना अरसा हो गया ना कठे रहंदे, हुण ई नहीं पता ए लत केदी है। हां ए भी नहीं पता के साला किदा है। नून लीगी रहनुमा एहसान इकबाल फरमाते हैं कि हमने मुश्किल मौशी फैसले किए और ये हमारा हक है कि इकॉनमी को मुस्ताकम करके अवाम में जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि जहर हम खाएं और हलवा इमरान खान को पेश किया जाए। अरे वाह जनाब, हलवा तो आपको वैसे भी नहीं मिलने वाला क्योंकि पीडीएम में हलवे के राइट्स 73 के आइन के तनाजुर में ऑलरेडी रिजर्व हैं। हमारा अगला सेगमेंट भी आपके लिए रिजर्व है, तो आइए देखते।
माया तेरी लला तू मही चला ते मैं चौधरी मेरी जोड़ी बड़ी वेट तो मैं नहीं है कितने जोड़ी चौधरी मैं कितने जोड़ी बन गई तेरी मेरी केड़ी जोड़ी बना रहे हैं वे ओ छाड़ो साड़ी जोड़ी खराब ना करो डेरे दी वे कालू उठ वे तेरी फुफी नु चौथी दफा सप लड़ गया ही ओ आप नागन एनु नहीं असर होना भावे पंजवी दफा लड़ जाए हाँ वेख चौधरी गड़बी बजा रहा इहदे खाब च भी गड़बी वालियां आईयां ने देखो जिहड़ियां साडे डेरे ते आउंदियां इहदी खाब च आउण लग पईयां इहनु होश ले आ टुट पैणे नु मैनू नहीं चाहीदा मैनू कप नु गड़वी गर्म करके लाफ ये पता लगेगा चमचम तो पुछी हो जा पैर ते बज गई तेरे को नचिया नहीं चौधरी छड़ दे मैं चौधरी मुन्नी नूं नहीं छड़ना मैदान छ चौधरी साहब देखो खाब ची थी पग पाई जे उजड़िया खुसरिया हूं पग के उत्ते पग पवा दे डबल पग नहीं पाई दी चौधरी हर जाता ही हट वे पिछा गल सुन ला चौधरी डेरे ने फैसले हूं चौधरी चम चम करेगा माना कि हमारी एंटी डोज में बहुत राहत है लेकिन यहाँ एक ब्रेक का वक्त है तो मिलते हैं ब्रेक के बाद बाटे तेन पता चले शेख रशीद ने की क्या है यार मैंने तो कुछ नहीं किया ओए तेन तो नहीं कुछ क्या गया शेख रशीद ने क्या है नैब दा कानून अपने आप नु बचाने लिए तब्दील कर दिया गया है ओ यार की पुठा जमाना आ गया तब्दीली दा नारा इमरान खान लान दे ते तब्दीलियां ऐ करी जान दे ने वैसे की तब्दीली की थी हुन 50 करोड़ तो कट करप्शन करने वाले नु नैब फड़ नहीं सकदी चलो मिर्ज़ा गालिब सही फरमांदे सन आते हैं नैब से ये मजामी ख्याल में बट नैब नहीं गैब गैब ओए आंदे होन क्यों मिर्दा साहब नु आंदे सन मेनू नैब तो ही आंदे ने बट की सोच रहे हैं मैं सोच रहे हैं 49,99,999 रुपए ते बड़ी बड़ी रकम है हुंदी ते है मेरीयां चार पुश्तां बह के खानगीयां फिर एक काम कर तू एनी की रकम दे अंदर ना मेनू को फ्रॉड करन दा आईडिया दे आयो रे मां पाकिस्तान में डेंगी एक बार फिर हमलावर यानी मच्छर फिर मच्छर गए ने एक वाक्या सुनाती हूँ आपको एक बार एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि यार मेरे कमरे में मच्छर लड़ रहे हैं तो दोस्त बोला तू मच्छर नु लड़न दे ना उन्हें दी लड़ाई के बीच ना पै वाह जी वाह चले आए सेगमेंट देखते हैं अब हमने आज दावत दे रखी है एक ट्रांसपोर्टर साहब को और उनके हमरा तशरीफ लाए हैं उनके दो ड्राइवर साहबान क्या हाल है जनाब जी अल्हम्दुलिल्लाह एक इम्प्रेशन ये है कि ट्रांसपोर्टर होने के लिए बदमाश होना बहुत जरूरी है क्या कहते हैं ये तुम्हारी गल दुरुस्त है होंगे उनके बदमाश लड़ाइयां शड़ाइयां होंगी आप उर्दू क्यों नहीं बोलते आपकी ये बात दुरुस्त है ठीक है होती होंगी लड़ाइयां झगड़े सवारियों के साथ लड़ना पड़ता है होंगे बदमाश लेकिन मैं शरीफ आदमी अच्छा हमारा कोई तलक नहीं झगड़े से आप इतनी कामयाब कंपनी रन कर रहे हैं हर तीसरे दिन आपकी कंपनी में परचे हो रहे होते हैं असी कसम खाने जी साढ़े बॉस ने इन्होंने आज तक लड़ाई झगड़ा नहीं किया इन्हें बंदे रखे ने अच्छा जी आप दोनों ड्राइवर हैं जनाब असी चिंगची ते ट्रक दे ड्राइवर हाँ अच्छा आप दोनों में से चिंगची कौन चलाता है और ट्रक कौन भैंगे हो थोड़े जे क्यों सेहत तो अंदाजा नहीं ला सकते कि केड़ा चिंगची चलांदा ते केड़ा ट्रक चलांदा जनाब ये ट्रक चलाऊंगा चिंगची का क्यों बेड़ा करक करवाना जे असल जी जनाब ट्रैफिक वाले यकीन करो सानू ही फड़दे ने चिंगची वाले नू हले साडा कसूर की है यार दो सवारियों की गुंजाइश है उसमें और उसमें तुमने आठ लोग बिठाए होते हैं सवारियां बड़ी काली होंदी है ना ये आप नहीं बिठाऊंदे आप भज भज के चढ़दे ने उत्ते अच्छा ये भी सुनने में आया है
कि आप जब ड्राइवर अपॉइंट कर रहे होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा जिस पर मुकदमात होते हैं और खास तौर पर 302 304 के उसे प्रेफरेंस देते हैं। बंदे कितने मारे हैं ये पूछा जाता है इसमें। क्यों जनाब? ऐसे चक्कर जना मैंने नौकरी दी थी। ट्रक थले आके घट मरे ये थले आके बहुते मरे ने। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫੌਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ 5 ਵਾਲਾ ਵੀ 6 ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ 9 ਵਾਲਾ ਸੀ। अच्छा शक्ल से बाकायदा दहशतगर्द लगता है। हाँ जी किसे दस्ती बंब दा बच्चा जी। मेरिया 3 कंपनियां ने। अच्छा बसां दी कंपनी अपनी है जी, ट्रकां दी अपनी है और जाती मेरा 500 खुसरा है जी। और एक कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अच्छा तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि अपनी लेन क्यों नहीं छोड़ते। अच्छा मेनू इत्थे सफाई लई बुलाया है। नहीं एक सेकंड जरा, ट्रक के जरा ओदा हुंदा है लोड ज्यादा, यकदम तुसी ओवरटेक नहीं कर सकते, करा लाइन चेंज नहीं कर सकते, ट्रक दे उल्टन दा करा। नहीं नहीं तुम यकदम ना चेंज करो, तुम लेफ्ट लेन में हो जो तुम्हारी लेफ्ट लेन ओदा इतना वजन हुंदा है 6 महीने पहले हौली-हौली इधर आना शुरू करते हैं। बेवकूफ तुम्हारी तो राइट लेन है ही नहीं। अच्छा ट्रकों के पीछे ये जो शायरी की होती है जन्नत की वामा की दुआ, ये तुम करते हो ये भाई साहब करवाते हैं? नहीं नहीं ये कर देने, इन्हें तो बड़ी देर ट्रक पीछे भाभी की फोटो लाई रखी जी। मैनू कदले बुलाया इन्ना दस तुसी ये बंदा नु आना है। ओ सारे ट्राली जी तूड़ी दी ट्राली तुसी कदी वेखी? तौबा तौबा वो जो बहुत ज्यादा स्टफ की होती है। हां जी वो लगदा है ट्राली नु गैस होई। मिफ्ता इस्माइल जी का फरमाना है अगले माह बिजली सस्ती और डॉलर नीचे आ जाएगा। चलो भी पाकिस्तानियों पुट्ठा कर दो इस बयान नु ते समझ जाओ, यानी के अगले माह बिजली महंगी ते डॉलर ताक हो जाएगा। मैं नहीं बोल दी ओ लोको मैं नहीं बोल दी, मेरे च मिफ्ते दा रिकॉर्ड बोल दा। कैसा वाह वाह क्या आवाज पाई है मैंने। इसी बात पे एक सेगमेंट हो जाए फिर आपको लिए चलते हैं पहलवानों की दुकान पर और देखते हैं वहां क्या लंबी लंबी छोड़ी जा रही है। 413 शाह जी जोर नहीं जी करन दिया, नलके दा बोर करन दिया। शाबा पुत्र बैठका लासू। ओए अंग्रेज भलवान नाल तेरी कुश्ती है। बस कर दो खलीफा जी, अंग्रेज भवान ना मैनू लड़ान दे, मैं तो अंग्रेजी नहीं आती। वो तू केड़ा कैंची मार के उन्हें कहना नाइस टू मीट यू। ओ कह दिता ही कालू नाइस टू मीट यू। अच्छा खलीफा जी को सुनाए अपनी जिंदगी का वाकया, सुनाए जो कुश्तियां आप लोगों ने लड़ी हैं। और शाजी 40-40 पहलवानों ना जोर करते रहे सी। हाँ जी पहलो खोता हुंदा सी। ते लोरियां ते डर तो इंसान होया। और शाजी असी ते शेरां दे मुंह च हाथ पा के शेर इंज चीरे ने जिवें दर्जी कपड़े चीरदा है। फिर दुकानदार ने बड़ा मारिया खलीफा जी, उन्हें कहा चवला जिहा साडे सराहणे पाड़ी जा रहे। कुत्तियां नाल दंगा होया पहलवान दा। और कुत्ते भी कोई आम नहीं, उस कुत्ते ना लड़े जिदी लत्तां तो ट्राली नंगी, यानी मजदूर कुत्तियां ना लड़े घट ने गालो गाली बहुता होए। ओए कालू पहलवान ए की किया ही ओ खलीफे नु कुत्तियां ना लड़ा रहे ही। ओए आहो बंदे ते तेनू नेड़े नहीं खलोण देंदे। नाले भुल गए 8 दिन पहलो सौरियां नाल लड़ाई होई है। ओए सौरियां नु ते साडा नाम सुन के ताप चढ़ जांदा है। ते ताप ही चढ़ना भगवान जी, सारा ते समान उहनां दा वेच छड्डिया तुसी। ਲੋਕੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਸੱਸ ਦਾ ਵੇਚਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖੀਏ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਜੰਗਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੁਣੇ ਨੇ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਨੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮਾਰ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਬਾਂਦਰੀ ਦੀ ਫਰਾਕ ਖਿੱਚ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਜਾਨਵਰ ਜੂਨਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦਾ ਸਾਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਨਾ ਆਣਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਖਲੀਫਾ ਵੇ ਕਾਲੂਆ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਾ ਖਰਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੱਟਾ ਨਵਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਆਪ ਨਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੱਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਕਹਿ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਏ ਕਰੇ। ਉਹ ਤੌਲੀਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਗ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਇੱਥੇ ਡੰਡਿਆਂ ਵੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਧੋਣੋ ਤੇ ਸੁੱਟਣੀ ਮੈਂ। वजीर तजारत नवीद कमर कहते हैं कि डॉलर पर
सट्टा खेला जा रहा है। लो जी ऐसे नवा कट्टा खुल गया, मेरा मतलब है कि नवा सट्टा खुल गया है। अरे नवीद साहब, आप अच्छे भले मोतबर बंदे हैं, आपको सट्टा होते तो नजर आ रहा है लेकिन सट्टा खेलने वाले दिखाई नहीं दे रहे। जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, डॉलर बाहर भिजवाने का एक जरिया है। वाह 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 मायरा, तुम तो शायरा भी हो गई हो। नाजरीन मुझे शेर पे शेर आ रहे हैं और साथ ही सेगमेंट भी आ रहे हैं, तो सेगमेंट देख लेते हैं। छोड़ के जाऊं लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। मिलती हूं छोटी सी ब्रेक के बाद। बट्टा देख के आओ, रोटियां लग गईयां ने। बाकी मैगी तंदूर च पड़ के देख आओ जाके। सब समझिया करो, बहुती देर ना हो जे। यार तू साग दाल नू रोटी दे बुलाया। सब कुछ समझदे नहीं पए, देर हो गई ना ते की रोटी महंगी हो जाएगी। नो आओ रोटी ना कितने महंगी हो जाए। मैं क्या ना यार तबो वर्ल्ड कप स्क्वाड पर खिलाड़ियों के बाद अब तजियाकार भी तनकीद करने लगे। फलाना फलाने का रिश्तेदार है, फलाना फलाने की पुपूदा मुंडा है, फलाना फलाने का क्लब फेलो है। अरे भाई ये सब क्या चल रहा है। पहले इमरान खान साहब की सुई रिश्तेदारों, दोस्तों और खानदानों की हुक्मरानी खत्म करने पर अटकी हुई है। क्यों क्रिकेट बोर्ड पर भी उन्होंने ध्यान पुआना है। वैसे मेरा तजियाकारों को मशवरा है, आप ना अपने काम पे ध्यान दें, ये फब्बे कुटनियों वाला काम ना करें। हाँ और सेगमेंट देखें। कंडा ले, थोम ले, अदरक ले, टमाटर ले। ये लो जी दिल्ली वाला जे। या अल्लाह किसे नेक दे मत्थे लाई। ओए बात सुनो, ये क्या तमाशा बनाया तुमने? हेलो ये अल्लाह को मंगिया की देखो निकल की आया। मैं कहा सरे सरे किसे नेक दे मत्थे लाई। और कब्जा कब्जा किया हुआ तुमने सरकारी जमीन पे, सड़क पे। वे उठो वे, इतो चलो मुफ्त सब्जी लेते हैं। नहीं सर असि नहीं लेंदे, अल्लाह दी कसम मेरे को तो पुलिस लेंदी है। क्यों भाई पुलिस लेती है, ये लेते हैं पुलिस ही है। ओहो असि दूसरी पुलिस की हो गया तेनू। देखो सर सारे दी बदतमीजी है, जेड़े ने बल्दिया वाले नू पैसे दिंदे ने, जेड़े फकीर ने ना जगह मल के पुलिस वाले नू पैसे दिंदे ने। अच्छा है वार्डन ने चपेट पाइया। मैं क्या अफताब साहब कोई सब्जी ले लो, खुदा दा वास्ता टीवी ते गोश्त पकाना ही सिखांदे हो, और कोई सब्जियां दे फायदे भी दसो। मैं सब्जी का बहुत शौकीन हूँ, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरी एक बात का जवाब दो जी। बिस्मिल्लाह। ये
ये इतनी मां लगती है ਨਕਲੀ ਵਾਲੇ ਕਾ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਕਰ ਵੇ ਚੱਲ ਉੱਠ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੋਣੀ ਉੱਠੇ ਤੋ ਚੱਲ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਉੱਥੇ ਬੈ ਚੱਲੀ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਲੈ ਕੇ ਬੈ ਮੈਂ ਤਵੀ ਮੈਂ ਕਹ ਚੱਲ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਚੱਲ ਬੈ ਹੱਟੀਏ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਸ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਏ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਇਸਲੇ 74-75 ਫਕੀਰ ਹੈ ਹਾਂ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਇਹ ਬਾਦ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਫਕੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਐਸਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਐ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਇਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਤੋੜਨੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੀ ਮੈਂ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੰਗਣ ਹੀ ਰਹਿ ਸੀ ਸੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾਈ ਯਾਰ ਤੁਮ ਯਹੀ ਕਾਮ ਕਰ ਲੋ ਕਿਤਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਸ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸੇ ਤੋ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਉਹਦਾ 18ਵਾਂ ਸਕੇਲ ਉਹ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਸੇ ਕਾਮ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਲੋਕ ਸੁਣਤੇ ਰਹੇਗੇ ਆਹੋ ਤੇਰਾ ਸੁਣਨ ਨਾ ਸੁਣਨ ਚਾਚੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ तारीख बताती है कि आज से हजारों साल कबल बुकरात ने वबाई बीमारियों के जो इलाज बताए उनका इस्तेमाल आज भी किया जाता है वाह अरे भाई ये तो कोई इतना बड़ा काम नहीं मैं तो तब इम्प्रेस होती जब बुकरात ने कोई मोटरवे पुल सड़क ओवरहेड ब्रिजेस या फिर अंडरपास बनाए होते क्यों ठीक कह रही ना मैं हाँ तो आइए फिर दिखाती हूँ आपको अगला सेगमेंट मैं सद के जावा मेरे शहजादिया ना बोल शोर ना पा इना को हारन ता डे इना दी कुकड़ी दा रिश्ता घेन के डे साथे की मैं फटे मुंह इना दा चौरी साहब इना दा ते कुकड़ी रेछ जिड्डा और रेछ जिड्डा नहीं रेछ ने फड़े है अबे जाला एक चाइना दा नहीं देसी खुराक खाई वदा है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਲ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਇੱਕ 2.5 ਲੱਖ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸੌਣ ਡਿਆ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੀ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਚੋਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਕੇ ਨਸ਼ਈ ਥੀ ਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਉੱਜ ਜਾਏ ਬਸ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਛੋੜੇ ਕਾਲੂਆ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਰ ਦੇਣੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਕੇ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਸੁਸਰੋ ਤੁਮ ਵੀ ਆ ਕਰੋ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀ ਪਈ ਹੈ ਬੜਾ ਜਿੱਤੇ ਮੁੱਟੀ ਕੀ ਬੜਕੇ ਮਾਰ ਲੋ ਹਾ 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 ਹਾਏ 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 ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੜਕਣਾ ਮਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਤੇ ਸੁਣਾ ਫੜਕੀਲਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਚੁਕੀਂਦਾ ਚੁਕੀਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਜਾ ਕੇ ਖੱਬ ਵੰਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਜਾ ਲਿਆਂਦੇ ਹਾਏ ਕੁੱਕੜਾ ਦੇ ਵਾਲ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਬੱਠਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਕੜ ਤਗੜੇ ਉਧਰ ਆ ਲਗੇ चलो जी वक्त हो गया अब लड़ाई का अपने अपने कुकर छोड़ो चल भी मुन्नी चलो जी चौधरी साहब अबे तमीज ना गाल कर वे मुन्नी साहब आख एक कड़ी थी अपने कुकर नु घंटा को सौ लेने दियो मैं कह हंसी और कह कहों का सिलसिला जारी है लेकिन यहां पे हमें लेनी पड़ेगी ब्रेक तो मिलते हैं आफ्टर ब्रेक ओ भाई तीन डब्बा ते ले लंदी जुतियां ले लंदा
बाजी मैं काम छाड़ दिता है, मैं दुकान वाइंड अप कर रहे हैं। ओ क्यों? मैं सियासी बंदा हो गया, मल्लेदार मेनू कौंसलर दा इलेक्शन लड़वा रहे ने इथों, हुण मैं सियासत दी चला जाना है। ओ भाई चंगा भला तेरा जुतियां खरीदन दा कारोबार है, क्यों जुतियां खान वाले काम करन लगे? खान साहब को खुली वार्निंग। राणा सनाउला का कहना है कि इमरान खान तैयारी करें, हम पहले से तैयार हैं, इस बार अच्छी तरह उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। पीटीआई वाले ये समझ रहे थे कि उनकी खातिर तवाजो चार बिस्किट के साथ की जाएगी, लेकिन फिर देख लिया ना, उनकी खातिर तवाजो राणा साहब ने था बिस्किट के साथ। हमने आपके लिए सेगमेंट की तैयारी कर रखी है, सेगमेंट देखें। नाज़रीन ग्रामी, एक मरतबा फिर आज हमें ज्वाइन किया है हमारे आपके सबके फेवरेट, सबके जिसे कहते हैं ना हर दिल अजीज, यासिर अब्बास मलंगी साहब ने। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। शाह जी आउंदी एक शेर, मलंगी पा ये जरा कितने फेर। तेरे माथे पे जुल्फ यूं बल खाती है। अरे वाह वाह, तेरे माथे पे जुल्फ यूं बल खाती है जिस तरह मज खुरली में खल खाती है। शेर कह ले 6 महीने मज्जा दे ढारे च रहे ने, तो एक हफ्ता मज्जा नाल गुफ्तगू करदे रहे ने, कट्टा बन गई। मज्जा ते मलंगी साहब दे नाल इनियां मानूस हो गईयां ने, कई बारी मलंगी साहब नूं विखा के मज्ज चोली। हुण ते मलंगी हवेली वड़दा मज्जा दुध देण लग पैंदी। एको मज्जा नूं कह रहे हुंदे ने तेरे दुध पुत्तर दी खैर। मज्ज को खुश हो के 50 रुपए नजर दे रही हुंदी गी मलंगी साहब। ਮਲੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਬਈ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੈਫੀਅਤ ਮੱਝ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਲੰਗੀ ਬਾਹਰ ਪੜਨਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ। ਸਾਜੀ ਇਹ ਜਰਾ ਤੂੰ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਫੋਰ ਸੰਡਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ, ਆਹ ਵਾਹ, पूरे जग नू ब्लर कीता। देखो किन्नी ठंड सी और कल्ले ने सर कीता। ते जदों वापस आया बुखार भी ते इन्नू चढ़िया सी। नहीं करजा भी चढ़िया सी, 3 महीने तू तेला आया सी। केटी ते तीसरे दिन ही सर कर लिया सी, कर्जे दे डर तो थल्ले नहीं सी आ रहे। जिन्ना जिन्ना दे पैसे देने सन उन्हां नूं कहंदे सी उत्ते आके पैसे लै जाओ, उन्हां थल्ले वेख के पुरबान। वज़ीरे खारजा बिलावल भुट्टो ने आलमी फोरम्स पर धड़ाधड़ स्पीचेस की, फलाना मसला है, धमकाना मसला है, ये बहरान है, वो बहरान है। वाह, वैसे मेरी बात सुने, अगर कोई गोरा उठकर ये पूछे भाई मियाँ माना कि ये बहरान है वो बहरान है, पर ये तो बताएं पाकिस्तान में पिछले 40 साल से कौन से खानदान हुक्मरान है, तो क्या जवाब देंगे? ऐसे ते गलत उर्दू भी नहीं चली, सारी गली अंग्रेजी ची होनी है। चलें आपको दिखाती हूँ का स्पाइडरमैन कहलवाने वाला 60 साल एलन रॉबर्ट अपनी 60वीं सालगिरह पर 48 मंजिला इमारत पर चढ़ने के बाद गिरफ्तार। वाह बाबा जी, एतानू की आखर आई हुई सी, यानी कि आपने हिफाजती ड्रेस भी नहीं पहना, बुड्ढे वेले छिछोरापन। ये तो शुक्र है कि आप फ्रांस में थे इसलिए आपकी बचत हो गई, अगर आप पाकिस्तान में होते ना तो तुसी 60 साल दे होना ही नहीं सी, पहले ही ओके हो जाना सी। लेकिन यहाँ पे हमारा अगला सेगमेंट ओके हुआ है, आइए देख।